में नवंबर में आप प्रैक्टिकल खबर से अभी मैं फिलहाल हूँ कालिम्पोंग। पश्चिम बंगाल राज्य अंतर कालिम्पोंग जिला अंतर्गत मैं अभी फिलहाल हूँ कालिम्पोंग मेला ग्राउंड में, जो आज आप लोग ये भव्य दर्पणी का प्रोग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। खासतौर से है जीटीए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सत्ताधारी दल भारतीय गोरखा प्रगति मोर्चा के दूसरा स्थापना दिवस भारतीय गोरखा प्रगति मोर्चा अभी जीटीए क्षेत्र यानी पहाड़ी एरिया में एक सत्ताधारी होने वाला एक दल है, जिसका मेन अगुवान अमित थापा जी करते हैं या प्रेसिडेंट अमित थापा द्वारा ही ये पार्टी संचालित किया जाता है। आज से करीब 3 साल पहले ये पार्टी का स्थापना हुआ था। हम समर्थक जो देख रहे हैं भारतीय गोरखा प्रगति मोर्चा का सदस्य है। तो दर्शकों को मैं बता दूं, खासतौर से ये मुलाकात के स्थान पर जो देख रहे हैं ये जमघर है भारतीय जनता प्रतिनिधि मोर्चा का तीसरा स्थापना दिवस, जो कालिम्पोंग में आज भव्य के साथ मनाया जा रहा है। अनि राजनीतिक नेता भएपछि मान्छेको आकांक्षालाई बुझ्नुपर्छ, आफ्नो निर्णय गर्नु हुँदैन, एक ढुक्की गर्नु हुँदैन। जो आकांक्षामा हामी नेता भएपछि जो आकांक्षा विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा प्रथम त सम्पूर्ण हाम्रो पहाडभरि पहाडदेखि बाहिर पनि अन्य ठाउँमा जति पनि भारतभरि रहनु भएको गोर्खा जाति गोर्खे सन्तानहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई विशेष भारतीय गोर्खा प्रगति मोर्चाको यो थर्ड पब्लिसिङ डेको उपलक्ष्यमा एकदमै सबैलाई बधाई हेर्नु प्रोग्राममा पहिलादेखि हामी दिइरहेको छौँ, अहिले पनि म बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै आजको हेर्नुहोस् क्लाइमेटिकली हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ रातभरि पानी परेको ग्राउन्ड पनि निकै हिलो भएको र पनि चारैतिरबाट भनौँ न अब टाढो टाढोबाट पनि मान्छेहरू आएर यहाँनिर आज विशेष अध्यक्षजीको सम्बोधन सुन्नुभयो, सांस कल्चरल प्रोग्रामहरूमा उहाँहरू सामेल भन्नुभयो, सहभागी भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि जो पनि जति पनि आए पानी झरी नभरिकन दार्जिलिङबाट खरसाङबाट होइन कालिम्पोङकै अबेक अबेक ठाउँतिरबाट पनि मिरिकबाट सबै जति पनि आए नेतृत्वगणदेखि लिएर सपोर्टर्सहरू जति पनि थिए सबैलाई विशेष हामी कालिम्पोङले यसपालि यो कार्यक्रममा मौका पाएको थियौँ। कालिम्पोङमा त्यसपछि गर्दा आजसम्म तिमीहरू एकदमै हामी मनबाट नै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।